द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। देख गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जनरल ट्रेंड जो रहता है, जनरल ट्रेंड ये रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी, जनरल ट्रेंड जो रहता है, और ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मैं आपको गाइज मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, उसमें आप जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना उसमें सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हमेशा आप वो, अगर वो ट्रिक होगी तो ना याद आपको, इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पे आंसर पे टिक लगाएंगे आप। सो फिलहाल अगर मैं ये मान के चल रहा हूं हमें वो ट्रिक नहीं देखी है तो मैं उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं, राइट। अब देखिए, ये मैंने बता दिया आपको कि राइट उसमें इंक्रीज हो रही है और ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, राइट। अब अगर मैं इनको ऑर्डर कर अरेंज करूं, कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, कार्बन के नीचे ग्रुप में सिलिकन आता है और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, राइट गाइज, ये समझ में आ गया। यानी अगर मैं ये मान के चलूं जो इसमें सिलिकन होगा, राइट, अब देखिए कार्बन सिलिकन होगा वो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि देखिए सिलिकन की यहां से मैं आऊंगा तो इंक्रीज हो रही होगी, यहां से यहां डिक्रीज हो रही है, तो ये सिलिकन की ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है और यहां से इंक्रीज है, ऑब्वियसली ये तो कम ही होगी इससे, इस ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा है, राइट। तो ये लीस्ट हो गया, तो सिलिकन सबसे लीस्ट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए सिलिकन सबसे कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी, देखा आपने कैसे किया मैंने, और नाइट्रोजन की एंगल में देखूंगा, कार्बन की नाइट्रोजन की इससे ज्यादा, नाइट्रोजन की इससे ज्यादा, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, तो नाइट्रोजन देख सकता हूं मैं राइट मोस्ट में। आप दोनों किसी में सपोज सिलिकन एक और ऑप्शन दिया होता तो आपको ऐसे दोनों को कंपेयर कर सकते थे, राइट गाइस। लेकिन आप वो ट्रिक देखेंगे ना गाइस तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो ये आपका, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।